वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स एक्सप्लोर। माय नेम इज सानवी शर्मा। तो जैसे ही मेरे एग्जाम्स फिनिश हो गए हैं और वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं फुल वेकेशंस में कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करती रहूं। तो जैसे मैंने आज और कल में टू थिंग्स क्रिएट की हैं, जैसे कि फर्स्ट है ये पेपर डॉल हाउस और ये 3D है। एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट टाइम 3D एक ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी क्राफ्ट जो भी कहना है कह सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं इसमें मेन एलिमेंट्स में फोकस करूँ, तो यहाँ एक बेड है, साइड टेबल, लैम्प, फोटो फ्रेम्स, बहुत सारे प्लांट्स और टू क्यूट क्यूट मैट, बालकनी और वॉल हैंगिंग और एक और बार प्लांट्स और एक और फोटो फ्रेम और कर्टन। सो इसको बनाने के लिए मोस्टली आप कह सकते हो कि 2-3 आवर्स लगे थे अगर आप कंटिन्यूसली बैठोगे, पर मैं बैठ नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ से मुझे इरिता परेशान कर रही थी। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये ऐसे ओपन भी हो सकता है, ये कुछ रियल में ऐसा है। मैंने 2 A4 शीट्स ली थी, आप हार्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हो, पर जैसे मेरे पास हार्ड पेपर या हार्ड शीट्स अवेलेबल नहीं थे तो मैंने A4 पेपर यूज़ किया था, क्योंकि हार्ड पेपर में आपका ये स्टेबल रहता है और ये विगली विगली सा नहीं होता जैसे कि अभी हो रहा है ये। तो यहाँ 2 A4 साइज शीट्स ली है, उन दोनों को इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड किया है। एक को तो हमने नॉर्मली कट किया है, दूसरे का हमने ये वाला पार्ट कट किया है और दूसरा पार्ट रहने दिया है क्योंकि हमको इसको यहाँ से स्टिक करना था, जैसे कि आपको ये अलग से लाइन दिख रही होगी। तो उस वाले शीट में हमको जस्ट एक रफ सा एक स्केच बनाना है, क्योंकि हमको जो भी कुछ बनाना होता है तो उससे पहले हमको रफ स्केच बनाना होता है। तो रफ स्केच में जैसे मैंने मेन एलिमेंट्स यूज़ किए थे, जस्ट बेड और ये साइड टेबल और थोड़ा सा फोल्ड। तो जैसे यहाँ मैंने कट किया है क्योंकि मुझे पता था कि इतना बड़ा उसकी लेंथ होनी चाहिए बेड की, यहाँ कट किया। थोड़े से आपको फोल्डिंग स्किल्स आने चाहिए कि कैसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसा होगा, कुछ ऐसे आपका निकलेगा प्रोडक्ट। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर से एक और बेड का एक पार्ट बनाना है और जस्ट फिर आपको एक शेल्फ, और वो तो बाद की बात है। फिर ये जो है उसको आपको सेकेंड वॉल के साथ स्टिक कर देना है। तो यहाँ भी कुछ कटिंग का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पेंटिंग करनी है। जैसे कि ये बालकनी के लिए आपको एक स्लाइडिंग टाइप का डोर, ये एक साइड में कर्टेन और ये एक टेबल, और ये थोड़ा सा आप और भी यूज़ मतलब कि एक्स्ट्रा कर सकते हैं थिंग्स। और इसमें आपको बहुत सारे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, वही जो साइंस का चैप्टर होता है, वो आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ बेड पे यूज़ किया है, यहाँ यूज़ किया है, बट मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ उसमें, मैं अभी स्टिल लर्न कर रही हूँ उसको, तो परफेक्ट हो जाऊँगी मैं कुछ दिनों में। तो यहाँ क्यूट क्यूट सा मैट है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली, और ये टाइल्स है एक मतलब कि वाइट एंड ब्लैक टाइप का, और इसमें आपको बहुत कलर मिक्सिंग, न्यू कलर, यूनिक कलर्स यूज़ करने हैं और ब्राइट कलर्स, जिससे कि आपका रूम ब्राइट हो जाए। और ये है हमारा सेकेंड प्रोडक्ट। और गाइस आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा प्रोडक्ट मक्खन की तरह पिघल रहा है। गाइस ये देखिए आज मैंने क्या बनाया, गॉगल्स का फ्रेम और ये थोड़ा मक्खन की तरह पिघल रहा है, जैसे ये है एक पराठा और ये है मक्खन का एक स्लाइस। ये है गाइस सेकेंड और जो मैंने बनाया है, आज ही बनाया है, और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि इरिता ने खींच दिया था। ये है गॉगल्स फ्रेम, ये थोड़ा अच्छा बन रहा था पर क्या करना, इरिता ने थोड़ा ख़राब कर दिया था, तो उसको क्या बोलना। और वो जब भी देखो मेरे को परेशान करती रहती है। ये बहुत ही इजी था, बस हमने इसमें एक पेपर कट किया। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट है, जो भी आपका मन कर रहा है और जो भी आपने मैथ्स में सीखा है। तो यहाँ बस पेपर हार्ट शेप पे कट किया है। अगर आप चाहो तो इसका ये बीच में जो एम्प्टी पोर्शन है ना, उसको भी आप छोड़ सकते हो ऐसे ही। ये 2 हार्ट शेप्स कट किए हैं, ये थोड़ा साइज ऊपर नीचे हो गया है, वो भी कोई बात नहीं। और यहाँ एक ऐसे रेक्टेंगल शेप में मैंने एक पीस कट किया है पेपर का, और उसको ज्वाइन करके ये मैंने इसकी स्टिक बनाई है। इसको मैंने फोल्ड किया है और यहाँ मेरे को कार्डबोर्ड जोड़ना पड़ा क्योंकि ये टिक नहीं रहा था, ये ऐसे ही गिर जा रहा था। अगर बाई चांस उन्हें शो ऑफ करना है तो ये ऐसे ही गिर सकता है, पर अच्छा है ये। पर क्या कहना इदिता को, उसने सारा ख़राब कर दिया इसका मज़ा।
ocean's floor. Snub-a-dub-head, that's the baby ocean's floor. Idhar, come here. दीदी गाओ दीदी। पापा को सुनाओ। ये क्या हो रहा है? ये इसका स्टेज है साइड। आवाज तो आई नहीं आपकी। Daddy shark, 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 daddy shark,